क्या हुआ मम्मी जान? आप कुछ परेशान लग रही हैं, तबीयत तो ठीक है? क्या चल रहा है इस घर में? उफ, कहीं इस बुढ़िया को भी अपने बेटे की तरह मुझ पे शक तो नहीं हो गया? इसने मुझ पे और फराज पे नजर रखना शुरू कर दी ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। इस घर में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसका मुझे पता नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं, क्या मतलब आपका? मतलब ये कि मेरे दोनों बेटों में कभी इतनी खास कोई मोहब्बत या प्यार इश्क जुनून कभी नहीं रहा, लेकिन वो कभी इस तरह एक दूसरे के खिलाफ भी नहीं हुए, जान भी छिड़कते थे एक दूसरे पे। लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते। तुम जानती हो इन दोनों की इस नफरत की वजह क्या है? इसका मतलब आपको नहीं पता। क्या नहीं पता? बैठो बैठो। जो बात आप कर रही हैं ना, अब वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर, गिले शिकवे भूल भाल कर एक दूसरे को माफ कर चुके। सच? ये कब हुआ है? मुझे तो नहीं पता। हो असल में ना, मैंने हस्बैंड को समझाया था कि फराज उनका छोटा भाई है, उन्हें उससे इस तरह पेश नहीं आना चाहिए। फिर मैं उन्हें फराज के पास लेकर गई और बस अब सब नॉर्मल है उनके बीच। बहुत अच्छा किया तुमने। सच पूछो तो मैं तुम्हें इतने बड़े दिल का मालिक नहीं समझती थी, लेकिन तुमने ये जो किया है ना, इससे साबित होता है कि तुम एक अच्छे खानदान की घर जोड़ने वाली लड़की। मुझे बहुत खुशी हुई तुमने ऐसा किया। काश समीन में भी इस तरह की खूबियां आ जाएं। अच्छा ये बताओ, ये कब की बात है? सुबह नाश्ते से कुछ देर पहले की बात है, उसी वक्त मैंने हस्बैंड को समझाया। अच्छा, कैसे हो सकता है? नाश्ते के बाद तो फराज मेरे पास आया था, घर छोड़ने की बात कर रहा था, कह रहा था मैं समीन को लेके अलहदा घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। अगर नाश्ते से पहले की बात तुम बता रही हो और उनका झगड़ा खत्म हो गया था, तो फिर उसने ये सब बातें क्यों की मुझसे? समीन के साथ ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं तो खुद बहुत परेशान हो गई थी सुन के, और तुम मुझसे कह रही हो कि सब ठीक हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने, ये वक्त है आने का? वो असल में अम्मी ने फराज के लिए खाना बनाया था, उसके बाद बातों में टाइम का पता नहीं चला। अच्छा, यानी दावतें उड़ाई जा रही हैं ससुराल में? नहीं अम्मी, दावत दी थी बस, लाइट सा खाना था। हम थक गए, मैं कमरे में जा रहा हूँ रश करने जरा सा, तो फिर बाद में मुलाकात होती है। बैठ के बातें करने मत लग जाना, ऊपर चलो कमरे में रेस्ट करो। कमा गजरे देखे थे उसके हाथ में? हो ना हो, ये इसी औरत का जादू चढ़ा हुआ है उसके सर पे। झगड़े हर घर में होते हैं, ये घर छोड़ के जाने वाली बात भी इसी ने डाल दी है मेरे बेटे के दिमाग में।